दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, SA&ABC। आप दोस्तों, मैं आया हूँ सर के पास। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ कि सर जो हमारे हैं, यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ दोस्तों, ये IB कंपनी का ऑफिस है और ऑफिस के अंदर मैं बैठा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये फार्मर का परफॉर्मेंस लिस्ट इसी चार्ट पे लगता है। यहाँ पे कुछ इंट्रक्शन दिए गए हैं, यहाँ पे बहुत सारा डिक्लेरेशन है। तो दोस्तों मैं ये चीज बताने के लिए आप लोग को आया हूँ कि हमारे जो सर हैं श्री संतोष कुमार सिंह सर, इनका कुछ एक्सपीरियंस दोस्तों पोल्ट्री के ऊपर में सर का कुछ एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों अभी अगर आप लोग नए हों चैनल पर तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। उसका रीजन क्या है दोस्तों, आज तक मैंने इतना फोर्स नहीं किया है, लेकिन मैं इसलिए फोर्स कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों सर अक्सर करके चैनल पे आते रहेंगे। और मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, सर का कुछ जो टेक्निक बताएंगे उस टेक्निक को सीखे। सर सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार सर, थोड़ा सा प्लीज तेज बोलिएगा। और यहाँ पे मैं सर आपसे एक चीज ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि ब्रॉयलर फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है सर, जिसको लेके बहुत सारे युवा किसान भाई जो भी हैं, वो उनके मन में एक सवाल होता है। हाँ। कि भाई हमें ब्रॉयलर पालन करके हमारे जो धन अर्जन की एक हमारी लाइन बन जाए। सर उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, आप जरा अपने शब्दों में बताएं पहले किसानों को, इसके बाद मेरे कुछ सवाल और आपसे होंगे। मैं अपने किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ जी कि आज के टाइम में कृषि में जो है इतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल, बहुत सही सवाल, बहुत सही जवाब है। तो, जो किसान भाई सब्जी की खेती करते हैं, एक हिसाब से सब्जी को मान के चलिए जी, तो उस जगह पे अगर हम 2 से 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया अगर हम लगा सकते हैं जी, तो सब्जी की जगह हम मुर्गी का पालन कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि सर ने अभी कृषि के ऊपर जो बात की, इसके ऊपर मैं बता दूं आप लोगों को, 1 महीने के अंदर यानी ओनली 35 डेज के अंदर ऐसी कोई सब्जी आज तक हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, वर्ल्ड की किसी भी साइंटिस्ट ने अगर ऐसी सब्जी का निर्माण कर दिया हो जो कि मात्र 35 दिन में आपको पैसे दे जाए, उस सब्जी को आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चैलेंज है दोस्तों, क्योंकि मुझे नहीं जानकारी है और आप भाइयों से मैं जान पाऊंगा कि कोई ऐसी भी सब्जी है जो कि केवल 35 दिन में, क्यों सर, में तैयार होती हो और इतना ज्यादा प्रॉफिट देके प्रॉफिट देती हो। सबसे बड़ी दोस्तों बात यह है, जैसा कि सर भी हमारे बोल रहे हैं, एक्चुअली क्या है दोस्तों, सर से कभी भी आप लोगों को और भी वीडियोस में मुखातिब कराऊंगा। और अगर आप लोगों को सर को देखना है दोस्तों, तो सर का भी निजी चैनल है जिस चैनल का नाम है Poultry IB Santosh Thakur। Poultry IB Santosh Thakur इस चैनल पे अगर आप लोग विजिट करते हो दोस्तों, एकदम न्यू चैनल है, बट सर की कुछ ऐसी खास चीजों को सर ने वहां पे जाहिर किया है जिसको देख करके आप लोग को भी मजा आ जाएगा। सर मैं सबसे पहली चीज, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी के पीरियड में बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि ठंडक में, उनको ठंडक फर्स्ट टाइम आया है, यानी जैसे कि उन्होंने मान लीजिए कि मई जून में उन्होंने काम शुरू किया है, ठंडक उनको फर्स्ट टाइम फेस करना पड़ रहा है, तो वो सर वो कैसे करें मैनेजमेंट, यानी किस तरह से वो अपने फार्म में पर्दे का मैनेजमेंट करें, किस तरह से अंगीठी लगाएं, कितने बर्ड पे अंगीठी होना चाहिए, वो बहुत सारी सवालों को लेकर के किसान भाइयों के मन में एक सवाल बना रहता है। और उसको वो लोग कभी भी ये भी सोचते हैं कि यार कहीं ना कहीं मुझे नुकसान हो जाएगा। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि उसके ऊपर आपका क्या विचार है, आप जरा बताएं।
अभी ठंड का मौसम है जी, ठंडी के मौसम में प्रत्येक 500 बर्ड पे जी एक बुखारी लगाना है। बिल्कुल सर, 500 बर्ड पे दोस्तों, जैसा कि अभी सर ने बताया, अगर आपने ओनली 500 चिक्स डाले हैं तो उसमें आपको एक बुखारी की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है जी। आगे सर, इसके बाद आपको जो साइड का पर्दा लगाना है वो डबल करना है, डबल करना, सिंगल पर्दे में अंदर ठंड आएगी। बिल्कुल सर, ऊपर से छत बनाना है जी, वो भी त्रिपाल का ही बनाना है। बिल्कुल, जो दोस्तों त्रिपाल सर का कहने का मतलब ये है कि जो आपने पीली वाली पन्नी या त्रिपाल जो कि बाहर साइड में आपने लगाया है, इसको एक चीज और बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, सस्ता मिले या जैसा भी मिले या उनके पास उपलब्धता नहीं होती है तो वो लोग नीला यूज कर लेते हैं, लाल यूज कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है कि उनको वो रोशनी नहीं मिलती है। पीले में रोशनी अवेलेबल होती है बहुत अच्छे से। क्यों सर? हमेशा पीले कलर का इस्तेमाल करें, पीले कलर का। और दोस्तों कभी भी आपको पॉलीथीन का यूज नहीं करना है, क्योंकि पॉलीथीन का यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपकी गैस जो है बाहर नहीं जा पाएगी, अगर गैस अमोनिया बनेगी 25 दिन के बाद जी बर्ड में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, मोर्टेलिटी होगी, एसाइटिस बनेगा जी, और जब 25 दिन के बाद मोर्टेलिटी होगी तो आपको भारी नुकसान होगा, भारी नुकसान, क्योंकि सर वो एसाइटिस बन जाएगा ना। और एसाइटिस, अच्छा सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, एसाइटिस अगर आ जाती है किसी भी किसान भाई के फार्म में तो उसके लिए क्या यूज करें, कौन सी दवा का आप रिकमेंड करेंगे? उसके लिए देसी नुस्खा भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप सिरका वगैरह लगा सकते हैं। हाँ सर, सिरका लगाने से, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि एसाइटिस आने नहीं देना है। बिल्कुल सर, पॉलीथिन यूज नहीं करना है, त्रिपाल यूज करना है। बिल्कुल सर, ठीक है। अगर ज्यादा अमोनिया बन रहा है तो एग्जॉस्ट लगाना है। हाँ, अगर अमोनिया नहीं बनने देंगे तो ये सब प्रॉब्लम आएगी नहीं, दवा यूज नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों जैसा कि अभी सर ने बताया कि अगर आपके फार्म में अमोनिया गैस बननी शुरू हो गई है तो वहां पे आप लोग को क्या करना है, सिरके का यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, दवाओं में नहीं लगाना है जी, बस यही सिरका लगा सकते हो आप, टूतिया लगा सकते हो जिसको कापर सल्फेट, ठीक है, नीला थोथा बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा यूज करते हैं जी। तो और सर बताएं कि ठंडक में अगर बर्ड पालन करना चाह रहा है कोई भी किसान भाई तो वो क्या करे? ठंडक में बर्ड पालन करना चाहते हैं तो ठंडी के लिए जो भी मैनेजमेंट है अपना, त्रिपाल जी, बुखारी जी, हाइलोजन, बिल्कुल 200 वाट वाले कच्चे बल्ब जी, और बिजली से जो चलाने वाले जो ब्रूडर हैं जी जी जी, बिल्कुल डीजल ब्रूडर है, कोयल ब्रूडर है जी, जो भी व्यवस्था है कुल मिला के। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा सर कि जैसे कि आपने हीटिंग के लिए बहुत सारी चीजें बताई हैं, इसमें से सबसे बेटर कौन सा रहेगा? सबसे बेटर है जो हमेशा यूज करने वाला है, जो हमेशा आपके काम आएगा, वो बुखारी है। ये ज्यादा अच्छा कोई चीज नहीं है। बिल्कुल, आप बुखारी की व्यवस्था किए हैं तो कोई भी चीज की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लाइट के भरोसे रहेंगे, लाइट कभी भी चली जाएगी, टेम्परेचर लो हो जाएगा, मोर्टेलिटी होगी, हैडलिंग होगी जी, ठीक है। बुखारी है तो एक बार आपने जला दिया, पूरी रात के लिए आप फ्री हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं, बस स्टार्टिंग से आपको व्यवस्था बना के रखना है कि पहले से हम सूखा बुरादा खरीद के रखें जी, भीगा हुआ ना हो कि रात में जले ना, दिक्कत हो। बिल्कुल सर, ठीक है, तो उसको पहले से व्यवस्था बना के रखना है, सस्ता भी पड़ेगा, सबसे बढ़िया, सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ। बिल्कुल, तो दोस्तों अगर आपके पास बुरादे की व्यवस्था भी नहीं है तो ठंडी आ चुकी है, आप लोग बुरादे खरीद करके लाइए, उसको फार्म के सामने कहीं भी स्पेस हो वहां पे रख करके थोड़ा सा सूखा कर लीजिए, सूखा करने के बाद में अच्छे से बोरियों में भर करके आप कहीं भी रख दीजिए, जिस दिन आपका चिक्स आएगा उस दिन वो बुरादा आपका बहुत काम करेगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा डीजल डाल करके आप लोग आसानी से उसको जला करके
और अपने फार्म के अंदर तुरंत गर्मी दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब बुरादा गीला होता है तो आपकी बुखारी नहीं जलती है और आपको 10 मिनट से लेके 30 मिनट तक काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, फिर भी बुखारी आपकी नहीं जल पाती है। अब मैं सर से जानना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैं सर से ये जानना चाहूँगा, सर ये बताएं कि जैसे मान लीजिए कि शुरुआत में चिक्स आता है जिस दिन, उस दिन किसान भाई क्या अपने चिक्स को दें, इसके बाद शुरुआत से लेके 15 दिन तक सर दवाओं का क्या सीक्वेंस चलेगा, उसके ऊपर थोड़ा सा आप बताएं। जब चूजा डिलीवर होगा जी फार्म में जी, उसके बाद फर्स्ट डोज जो देना है जी, वो आप 2-3 घंटे के लिए ग्लूकोन डी जी दे सकते हैं या चीनी दे सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग गुड़ सोडा भी लगाते हैं ठंडी में, वो भी लगा सकते हैं। 2-3 चीजों में से कुछ भी 2-3 घंटे के लिए दे सकते हैं जी जी। उसके बाद जी, उसके बाद दो ऑप्शन है अपने लिए जी, हम या तो एंटीबायोटिक लगाएंगे या फिर प्रोबायोटिक लगाएंगे, वो अपने हिसाब से फार्मर चुन सकता है। बिल्कुल सर बिल्कुल। अगर प्रोबायोटिक लगा रहे हैं, अपने पास कास पैक है जी, माइक्रोगार्ड है जी, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, या और कोई अदर प्रोबायोटिक है आपकी जानकारी में वो भी लगा सकते हैं जी। दूसरा है एंटीबायोटिक जी, बिल्कुल निओमाइसिन विद कॉम्प्लेक्स के साथ आता है, वो लगा सकते हैं जी, या फिर इंड्रोसिन आता है सबसे बढ़िया, वो लगा सकते हैं 3 दिन तक जी। ये कंटिन्यूसली 3 दिन चलेगा सर? 3 दिन कंटिन्यू चलेगा, इसमें जो भी लगाना स्टार्ट करेंगे उसको चेंज नहीं करना है, 3 दिन लगातार लगाना है। 3 दिन के बाद में जी आप सैनिटाइजर देंगे, तो 3 दिन फिर कुछ नहीं देना है, केवल सादा पानी चलेगा, प्लेन सादा पानी चलेगा, सैनिटाइजर चलेगा साथ में जी। और बीच में अगर चाहें जी, फार्मर के पास अपने पास पैसा है जी, लगाना चाहते हैं, अच्छा से अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो लगा सकते हैं। नेप्रो केयर है जी, नीरी है, ये यूज कर सकते हैं 3 दिन, 1 हफ्ता अपना निकल जाएगा। बिल्कुल सर, ठीक है। 1 हफ्ते के बाद हमको वैक्सीन करना है, 1 दिन फ्री रखना है बर्ड को, कुछ नहीं देना है, सादे पानी रखना है 24 घंटे के अंदर, फिर उसके बाद में वैक्सीन करना है जी। वैक्सीन करने के बाद में 1 हफ्ते के बाद फिर हमको जो नॉर्मल शेड्यूल है, अगर कोई बीमारी नहीं है तो ये दवाइयाँ देना है जी। उसके बाद में हम कैल्शियम लगाएंगे, विटामिन विद विटामिन जी, विद विटामिन हाँ जी, कैल्शियम विद विटामिन यानी ऑस्टोबेट या फिर विमराल, दो चीज मिला के सबसे बेटर होता है, ये लगा के दे सकते हैं 3-4 दिन तक जी। फिर अपना आ जाएगा दूसरा हफ्ता जी। अच्छा सर, एक चीज डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो अपना फर्स्ट वीक जाता है, फर्स्ट वीक में मुर्गे का वजन कितना हो जाना चाहिए, वो एकदम परफेक्ट वजन होना चाहिए? वीक में बर्ड को 3-4% बर्तन लगाना है जी, और जब इतना बर्तन लगाएंगे जी और दाना प्रॉपर देंगे बर्ड को, बराबर हाकेंगे उसको, बराबर जो है फीडिंग कराएंगे जी, 200 ग्राम वेट आ जाएगा। 200 ग्राम अगर 200 ग्राम वेट फर्स्ट वीक में हमने ले लिया है तो रिजल्ट खराब नहीं हो सकता। बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल, ये बात जो सर ने बताया दोस्तों काफी बेहतर है। आपको पहले सप्ताह में अपने मुर्गे का 200 ग्राम प्लस का वेट अगर आपने ले लिया है तो आगे चल के आपको किसी भी दवा पे ज्यादा डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, यानी ये ग्रोथ प्रमोटर लाओ वो ग्रोथ प्रमोटर लाओ, ये सारी चीजों को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। वो ग्रोथ, क्योंकि शुरुआत में ग्रोथ बन चुकी है दोस्तों, तो वो ग्रोथ कंटिन्यूअसली जारी रहेगी जी। इसके बाद सर क्या करें? अभी बर्ड अपना हो गया 2 हफ्ते का जी, बिल्कुल सर 2 हफ्ते का बर्ड हो गया है, 2 हफ्ते के बाद सीआरडी है, कोई बीमारी है या नहीं है जी, उसके बाद हमको 3 दिन फिर कंटिन्यूअस एंटीबायोटिक चलाना ही चलाना है। बिल्कुल सर, ठीक है। एंटीबायोटिक चलाएंगे क्योंकि 2 हफ्ते के बाद सीआरडी आने के चांसेस 99% होते हैं, बन जाते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है। जैसे अगर हम एंटीबायोटिक चलाएंगे तो सीआरडी नहीं आएगी, ये इस चीज की गारंटी 101% है। अरे वाह, फिर दोस्तों क्या कहना, अगर सर ने 101% कह दिया तो 101% उसका रीजन होता है दोस्तों। सर रीजन भी बताएंगे, थोड़ा सा रीजन भी बता दीजिए। रीजन यह है कि जब हमारा बर्ड 2 हफ्ते का हो जाता है, ठंडक भी होती है, तब भी हमको पर्दा खोलने पर मजबूर होना पड़ता है जी,
अगर पर्दा नहीं खोलेंगे तो अमोनिया बनेगा, अमोनिया बनेगा तो मोर्टेलिटी होगी, पानी भरेगा बाढ़ में, फिर हम कैसे भी करके पर्दा खोलते हैं उसी टाइम में कहीं ना कहीं से हमसे गलती हो जाती है, बाढ़ को ठंडक लग जाती है जी। और बाढ़ को जब ठंडक लग जाएगी जी। तो सीआरडी आने के चांसेस 100% हो जाते हैं, हो जाते उस टाइम में हमको एंटीबायोटिक देना अनिवार्य हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। सर अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो कि नए हैं अभी इस फील्ड में, तो वो लोग ना मैं ये देखा हूँ कि ग्रोथ के लिए क्या यूज कर लें, ऐसा उनके मन में एक मतलब ऐसे गुम्बार फूटता रहता है। उन लोग को लगता है कि यार मेरा मुर्गा तो अभी कम वजन है, कम वजन को लेकर के वो इतना ज़्यादा हतोत्साहित होते हैं, वो लोग चाहते हैं कि यार क्या पिला दूँ जिससे मुर्गे में वजन आ जाए। मैं सर ये जानना चाहूँगा कि क्या आपका क्या कहना है, कौन सी दवा लगाएं जिससे मुर्गे में वजन ठीक ठाक आए और मोर्टेलिटी भी कम हो अभी के टाइम पे। एक्चुअली क्या है सर, क्योंकि अभी अक्टूबर चल रहा है तो ठंडक भी आ चुकी है नवंबर। जहां तक मेरा मानना है जी कि ग्रोथ प्रमोटर कभी भी चलाएं जी, जब तक फनीसर दाना यानी कि 25 दिन का बर्ड ना हो जाए बिल्कुल सर, तब तक ग्रोथ प्रमोटर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है जी। और अगर ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल करते हैं जी, तो आपको अगर कोई बीमारी नहीं है जी बर्ड में जी, तभी यूज करना है जी। अगर बर्ड में कोई भी डिजीज है जी, तो उसको तो ग्रोथ प्रमोटर बिल्कुल नहीं यूज करना है जी। अगर पार्ट सही चल रहा है तभी यूज करना है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई भी ग्रोथ प्रमोटर हो, जिप्रोमिन है जी, नोट कर लीजिए आप लोग, जिप्रोमिन है, ग्रोबी प्लक्स है, प्रोटोमिक्स है जी, कोई भी ग्रोथ प्रमोटर हो कोई भी यूज कर सकते हैं आप, बायोस्पार्क भी यूज करते हैं जी, वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जी उसके साथ में लेबर टॉनिक देना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है बिल्कुल। हमेशा कभी भी ग्रोथ प्रमोटर कोई भी दवा यूज करें उसके साथ में आप लेबर टॉनिक लगाइए, सब काम करेंगे, लेकिन अगर बीमारी नहीं है तब तब हाँ बिल्कुल सर ठीक है। बीमारी है तो आप ग्रोथ प्रमोटर यूज ना करिए, नहीं तो हाई मोर्टेलिटी होने के चांसेस 100% बढ़ेंगे, बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि अभी सर ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, मैं सर से अगला वीडियो अगर आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा कमेंट रहा तो मैं सर से और मिलूंगा, और जिस टॉपिक पे आप लोगों ने कम आप लोग का कमेंट होगा उस टॉपिक पे वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों आप लोग से उम्मीद करता हूं कि अभी रात का समय है, मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूं, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि दोस्तों जब हमारे सब्सक्राइबर गेन होंगे, जब हमारे लाइक्स ज़्यादा आएंगे, तो हम बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोग तक लाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया।